उचित कर्म उचित लाभ प्राप्ति, उचित कर्म उचित लाभ प्राप्ति मिलेगा। पद, पैसा और समृद्धि, अपेक्षाएं अप्रत्याशित रूप से पूर्ण होती है, लेकिन उसके लिए भरपूर सहनशीलता रखना अत्यंत आवश्यक होता है। मार्च महीने में यह सहनशीलता मिथुन राशि के जातकों ने रखी थी, जिस कारण स्वाभाविक रूप से अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में आपकी अपेक्षाएं अप्रत्याशित रूप से पूर्ण होगी। इस बात को मिथुन राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव इस महीने के प्रारंभ में लाभ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे गुरुदेव के साथ है। परिणाम स्वरूप उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी सुप्त इच्छाएं पूर्ण होगी, अप्रत्याशित रूप से लाभ भी होगा, जिस कारण आप प्रसन्न रहेंगे। इन सब का परिणाम आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक रूप से होगा। संक्षेप में यह महीना आपके व्यक्तित्व को सकारात्मक पद्धति से विकसित करने वाला है, इसलिए आपने इस समय काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए यह महीना अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। धन लाभ के अवसर प्राप्त होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना जैसे शुभ प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश हैं। रविदेव ना थकते हुए ना रुकते हुए हर रोज एक अंश मार्गक्रमण करते हैं। विशेष बात है कि इस महीने प्रथम पखवाड़े में वे आपके कर्म स्थान में तो दूसरे पखवाड़े में लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। रविदेव आपको सूचित कर रहे हैं कि लगातार प्रयास करते रहे, उससे उचित लाभ प्राप्त करते रहे। अर्थात प्रथम पखवाड़े में कर्म करें और दूसरे पखवाड़े में लाभ प्राप्त करें, ऐसा रविदेव आपको सूचित कर रहे हैं। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए इस काल में अत्यंत सकारात्मक ग्रह स्थिति निर्माण हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। यह एक बात हो सकती है कि इस महीने आप योजना बनाएंगे, वास्तु देखने जाएंगे, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि आपको इच्छा के अनुसार वास्तु मिलेगी, जिस कारण आप थोड़ा संभ्रमित होंगे। वैसे भी वास्तु, वाहन जैसी चीज़ों को रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता, इसीलिए सोच समझकर निर्णय लेना आपके लिए आवश्यक रहेगा। घर में आपको सुख शांति का लाभ होगा। शांति से, सौम्यता से काम करने की प्रवृत्ति आप में विकसित होगी, जिसे हम सकारात्मक बाप कह सकते हैं। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने इष्ट देव आपको भरपूर आशीर्वाद देने वाले हैं। आप कला के क्षेत्र में हो, अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट क्षेत्र में हो तो इस महीने आपकी भरपूर उन्नति होगी। सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी। विवाह इच्छुक वधु वरों के लिए विवाह जुड़ने के योग निर्माण होंगे, इसीलिए इस काल का उपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये परेशानी का कहा जा सकता है। स्वास्थ्य की छोटी बड़ी समस्या निर्माण होना, यह प्रश्न आपके संदर्भ में निर्माण होगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करने का प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा हो तो अधिक पढ़ाई कर आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर कार्य की योजना बनाइए, यह सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातक के लिए भाग्य के साथ लाभ का भी कहा जा सकता है। अर्थात आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, आपको भाग्य के सहयोग के साथ लाभ भी प्राप्त होगा। इन दोनों मोर्चों पर आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं, उचित कर्म करने वाले हैं, उससे आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। आप सफलता प्राप्त करेंगे और लगातार कार्यरत भी रहेंगे। संक्षेप में, नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा, इसलिए उसका पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश का भाग्य स्थान में होना अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। उसके साथ लाभ स्थान में राशि स्वामी बुध और गुरुदेव अर्थात कर्मेश विराजमान भी होना भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। इसके अलावा आपके दशम स्थान में शुक्रदेव द्वारा मालव्य योग बना है। शुक्रदेव आपको भौतिक जीवन में भरपूर लाभ प्रदान करते हैं। पद, पैसा, प्रतिष्ठा इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। संक्षेप में, ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं और उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। गुरुदेव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। अर्थात उचित कर्म करें, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा, ऐसा ग्रह आपको विभिन्न पद्धतियों से बता रहे हैं। विशेष बात है कि आपके राशि स्वामी कर्म अधिपति के साथ विराजमान है, उससे भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। संक्षेप में, इस महीने आप अधिक कर्म प्रदान रहेंगे। आपका पूरा लक्ष्य केवल कार्य पर केंद्रित रहेगा। उन्नति की दृष्टि से वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में बुध और गुरु जैसे दो ग्रह विराजमान हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यह दोनों ग्रह प्राकृतिक शुभ माने जाते हैं। गुरुदेव पूरा महीना आपके लाभ स्थान में रहेंगे तो बुधदेव 9 अप्रैल तक लाभ स्थान में रहेंगे, उसके बाद व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। कुल मिलाकर आपको लाभ के कई अवसर मिलेंगे। अन्य ग्रह अर्थात भाग्येश, लाभेश, राशि स्वामी इन सभी का विचार करें तो यह महीना मिथुन जातकों के लिए विशेष लाभकारी कहा जा सकता है। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो अचानक अप्रत्याशित रूप से हॉस्पिटल के खर्च निर्माण होना, यात्रा पर खर्च, जीवन में अप्रत्याशित रूप से घटना होना और उससे खर्च की निर्मित होना, ऐसा प्रभाव आपके साथ होंगे। इसीलिए उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहे, यह सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। उस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 7, 15 और 25 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 5, 13, 23 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता पहले से ही बना ले आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उन उपायों में क्रिस्टल का भी समावेश रहता है। उस अनुसार अप्रैल महीने के उपायों का विचार करें तो मिथुन राशि के लिए ब्रेसलेट परिधान करने का उपाय सूचित किया जाता है। यह इस ब्रेसलेट से मन शांत होकर मन शांति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रेसलेट श्रद्धापूर्वक धारण करने से आर्थिक उन्नति, निर्माण होना, बाधाएं धीरे धीरे दूर होती है। हर चीज़ में व्यक्ति जागरूक रहता है, आत्म परीक्षण करना सीखता है, नकारात्मक प्रभाव से दूर होकर सकारात्मक प्रभाव बदलाव शुरू होते हैं, संरक्षण हेतु ढाल बनकर काम करता है, उत्साह बढ़कर काम में मन लगता है। इस ब्रेसलेट से अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक कनेक्शन बढ़ता है। यह व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। पील मनी ब्रेसलेट अर्थात टाइगर आई स्टोन, ब्लैक एब्सिडियन और हेमेलाइट इन 3 रत्नों का मिश्रण है। यह ब्रेसलेट परिधान करने से तनाव कम होकर मन शांत होता है। इसके लिए सोमवार को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करें। आपने इस ब्रेसलेट को परिधान करना है, उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ब्रेसलेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगी। इस प्रकार अप्रैल 2024 से यह महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के जातक के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।